चलिए नेले पे धैला, हम बात कर रहे हैं 2019 नए साल की टॉप पिक्स पर, और एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल, नौ एक्सपर्ट्स नौ स्टॉक्स पे हम कर रहे हैं फोकस। और आगे बढ़ता हूं और जैसा विंडो बनी हुई उसी कड़ी में चलता हूं। तो वीके शर्मा सर, आप बताएं आप लोग की इस समय 2019 की टॉप बेट क्या है, किस स्टॉक पे दाव लगाऊं सर? एक्सिस बैंक ऐसा स्टॉक है जो पिछले दो साल से काफी दिक्कतों से गुजरा है, लेकिन अब उसका जो समय है, उसकी जो पीड़ा है, वो समाप्त हो चुकी है। ये स्टॉक जो करीब अभी 640 रुपए पे कोट करता है, मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्ष के अंदर ये करीब 815 तक ये स्टॉक जा सकता है, जो करीब करीब आपके प्रॉफिट्स के लिए 27% प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ये स्टॉक मैं क्यों चुन रहा हूँ, कई कारण हैं। पहला कारण, सस्ता है। 2020 की अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 2.4 टाइम ही कोट करता है। फिर इसके जो NPAs हैं लगातार गिर रहे हैं, NPA ग्रॉस NPA 6.5 से घट के 5.6 पे आ चुका है, नेट NPA भी घटे हैं, और जो क्रेडिट ग्रोथ है अगले आने वाले दो साल के लिए, मैं समझता हूँ कि 18-19% का यहाँ पे आप नेट इंटरेस्ट इनकम में वृद्धि देखेंगे सालाना, और नेट प्रॉफिट के अंदर करीब 26-27% जैसी वृद्धि आप देख सकते हैं। तो तगड़ा आउट परफॉर्मेंस होगा। एक्सिस बैंक वो स्टॉक जो 815 के लक्ष्य 28% का अपसाइड देगा आपको साल 2019 में। हेमंग जानी, आपकी टॉप पिक क्या होगी सर? हम 2019 में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये कंपनी का नाम अतुल लिमिटेड है। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी है विद अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये कंपनी का जो पिछला एक दो साल का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं रहा था, पर अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा एक टर्न अराउंड हम देखने जा रहे हैं। और ये कंपनी ने जो ओवरऑल कैपेक्स किया हुआ है पिछले एक दो साल में, उसके कारण हम समझते हैं कि जो ओवरऑल ग्रोथ है अगले दो तीन साल की, वो लगभग 15.5-16% की रह सकती है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में और जो फार्मा सेक्टर है वो दोनों में हम बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट देखने जा रहे हैं। केमिकल और फार्मा दोनों सेक्टर्स इंप्रूव होंगे, 20% का अपसाइड अतुल लिमिटेड वो स्टॉक होगा। प्रकाश दीवान, आपकी बेट क्या होगी 2019 के लिए? मैंने एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का चयन किया है जिसका नाम है ग्रूह फाइनेंस। अब ग्रूह फाइनेंस क्यों महंगी है कंपनी एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स, लेकिन एक क्वालिटी है, एक प्रीमियम है इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस नाम में। और इन्होंने जो इतने बरसों से, जब से HDFC की एज अ सब्सिडरी शुरू हुई और इसमें आगा खान फाउंडेशन का भी सहयोग रहा, इन्होंने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को केटर करने का डिसाइड किया था वो उससे हटे नहीं, और आज भी करीब 92% इनका अफोर्डेबल हाउसिंग और EWS के सेगमेंट में फंडिंग है, और बहुत ही बढ़िया रेट पे इन्होंने अभी पैसे जुटाए हैं जो आगे चल के हाई ग्रोथ एरियाज में लगाएंगे एज कम्पेयर टू अदर NBFCs। सो ग्रूह फाइनेंस मुझे लगता है इस रेट पे थोड़ा प्रीमियम आप दे रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज के लिए हमेशा प्रीमियम रहेगा। तो अच्छी कंपनी ग्रूह। अच्छा, ये पूरा स्पेस 2018 में रडार में था, तो स्पेस से कुछ चुनना है तो ग्रूह फाइनेंस वो कंपनी होगी। 2019 में दाव लगाएं 24-25% का अपसाइड। और अमरीश, फाइनली आज का नाइन्थ बेट सर, कौन सा स्टॉक होगा? एक जो स्टॉक मैंने पिक किया है नेलकास्ट, विच इज द लार्जेस्ट इन कास्टिंग्स इन एशिया, और अभी विद द न्यू प्लांट विच दे हैव जस्ट इनॉग्रेटेड इन 2018 आंध्र प्रदेश में, उसके साथ आई मीन लाइक दे बिकम मच मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर अर्लियर, तो यहाँ से मार्जिन्स इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी होंगे और टॉप लाइन भी बढ़ेगा। सो एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली टॉप क्लास क्लीन मैनेजमेंट, जो काफ़ी ज़रूरत है व्हेन यू आर लुकिंग एट अ स्मॉल और मिड कैप कंपनी, and they've been extremely investor friendly in the past, यदि dividend track record देखते हैं तो। मेरा जो expectation है for 2019, जो I mean earnings होगा, it will be about 6.25-6.3, पर जो major growth देखेंगे हम लोग it's in FY20, जब EPS बढ़ के करीब 7.75-8.25 तो ये अर्निंग्स इंप्रूवमेंट होगा वो दिखा रहा है भाव में। अमरीश के टारगेट्स देखिए, 140 के टारगेट्स नेलकास्ट में, यहां से 80% तक के रिटर्न स्टॉक देने का दम कम रखता है। चलिए, नौ स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। सॉरी अमरीश, आपको इंटरप्ट करना पड़ा था मुझे, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। मैं एक बार रैप अप करना चाहता हूं ये पूरी की पूरी नौ पिक्स। डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पर लेकर आए,
ये हैं 2019 के टॉप आइडियाज। अशोक लेलैंड, डॉक्टर लाल पैथलैब, आइशर मोटर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ग्रुह फाइनेंस और नेलकास्ट। इन स्टॉक्स में हम लगा सकते हैं 2019 पे दाव। आप सब महानुभावों का एक साथ समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये अच्छे वेल रिसर्च स्टॉक्स हमें देने के लिए, और आप सबको और इनफैक्ट आप सब दर्शकों को सीजन ग्रीटिंग्स एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।